माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। आप सभी भक्तों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि नवरात्रों के उपलक्ष्य में माता रानी जी का भवन बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सजाया गया है। फूलों की डेकोरेशन आप देख सकते हैं और साथ ही आप देख सकते हैं भक्तों की कतार। नवरात्रों के इस पावन अवसर पर जो भी भक्त माता रानी जी के दर्शन के लिए जा पा रहे हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि वो इस समय माता रानी जी के दर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं। और हम सभी भक्त भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मैं घर बैठ के ही माता रानी जी के दरबार का ऐसा सुंदर और पावन दर्शन देखने को मिलता है। तो भक्तों एक बार माता रानी जी का जयकारा लगाते हैं, बोलो सांचे दरबार की जय। और इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि अभी जो नज़ारा बना हुआ है माता रानी जी के भवन पर, भक्त लगातार ही माता रानी जी की यात्रा पर जा रहे हैं। और चूँकि आपको बता दें कि अभी भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी भी लगभग 14,000 से 15,000 यात्री ही दर्शन करने के लिए जा पा रहे हैं। तो ऐसे में जो भी भक्त माता रानी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उनको बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं। भीड़ बहुत कम होने की वजह से उनको दर्शन की लाइन में भी बहुत कम देर लगना पड़ रहा है। और चूँकि अर्धकुंवारी की गुफा भी अभी खुली हुई है तो आप गर्भजून गुफा के दर्शन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पर अभी भी बहुत सारे भक्त कोरोना टेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लगातार ही उनके मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं और भक्त लगातार यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि बहुत सारे भक्त अभी यात्रा मार्ग में पॉजिटिव पाए गए हैं तो ऐसे में यात्रा करना ठीक होगा या नहीं होगा। तो भक्तों आपको बता दें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि अभी लगातार ही कटरा स्टेशन पर, जम्मू स्टेशन पर या फिर बस स्टैंड या फिर एयरपोर्ट पर टेस्ट चल रहे हैं और जो भी भक्त अन्य राज्य से आ रहे हैं उन सभी की रिपोर्ट वहाँ चेक की जा रही है। तो जो भी भक्त वहाँ पे पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको या तो वहाँ क्वारंटाइन कर दिया जाता है या फिर उनको वापस उनके घर भेज दिया जाता है। लेकिन कटरा स्टेशन, जम्मू स्टेशन, बस स्टैंड या फिर एयरपोर्ट से जो भी यात्री अंदर आ रहे हैं वो सभी भक्त कोरोना नेगेटिव ही हैं, कोई भी भक्त बाहर से कोरोना पॉजिटिव नहीं जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर राज्य में रहने वाले कुछ भक्तों का पॉजिटिव आ सकता है, हो सकता है कि वो यात्रा मार्ग में पहुंचे हों और वो पॉजिटिव पाए गए हों, पर ऐसे में आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। आप अपना सेफ्टी रखिए, मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइज करते रहिए हाथ को और समय समय पर जब भी आपको मौका मिले अपने हाथ धोते रहिए। इसके अलावा खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए कि आप जो भी खाना खा रहे हैं या फिर लेकर जा रहे हैं वो आप कहाँ से ले रहे हैं और किस प्रकार ले रहे हैं। बाकी यात्रा मार्ग में मिलने वाली जो भी सुविधाएं हैं वो अभी भी पहले जैसी ही हैं, चाहे घोड़े हों, पिट्ठू हों, पालकी हों या फिर रोप वे हो। हेलीकॉप्टर भी भक्तों को अभी मिल रहा है, साथ में ही आपको बेबी वॉकर की सुविधा भी मिल रही है। इसके अलावा भक्तों आपको बता दें कि अभी जो भक्त नवरात्रों का फास्ट रख रहे हैं यानी कि वो 9 दिन का फास्ट रख रहे हैं माता रानी जी के लिए, तो उनको यात्रा मार्ग में नवरात्रि का फूड भी मिल रहा है। तो ऐसे में आपको फलाहार भी मिल जाएगा और जो भोजन होता है, जो प्रसाद होता है नवरात्रों में खाने वाला, वो भी आपको भंडारों में या फिर भोजनालय में मिल जाएगा। तो जो भक्त नवरात्रि का फास्ट रख रहे हैं उन सभी भक्तों के लिए भी वहाँ पे विशेष सुविधा दी जा रही है। भक्तों आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि यदि आप यात्रा में जा रहे हैं तो अपने शहर से ही अपनी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाएं, क्योंकि इससे आपको तसल्ली हो जाएगी कि आप नेगेटिव हो और वहाँ पे पहुंचकर आप पॉजिटिव नहीं पाए जाओगे। और दूसरा, आपको वहाँ पे लाइन में लगने की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी, आपका समय बचेगा। और ऐसे में यदि आप वहाँ पॉजिटिव पाए जाते हैं, टेस्ट कराकर नहीं जाते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको वहाँ पे क्वारंटाइन होना पड़ेगा जो कि अपने खर्चे पर होना होगा, और यदि आपको वापस भी वो भेजेंगे तो वो भी आपको अपने खर्चे पर ही घर वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे में आप सभी के लिए एक ही सुझाव जो कि बहुत अच्छा है कि आप अपने घर से ही टेस्ट कराकर जाएं और माता रानी जी के दर्शन प्राप्त करें। सामने आप देख सकते हैं कि माता रानी जी का भवन नवरात्रों में कितना प्यारा और कितना सुंदर सजाया गया है। फूलों की ऐसी सजावट आपको हर साल देखने को मिलती है और हर साल ही ऐसा सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलता है। और हमें भी बहुत खुशी है कि हमें घर बैठ के ही माता रानी जी के ऐसे पावन और सुंदर दर्शन हो पा रहे हैं। कुछ भक्तों के सवाल यह भी आ रहा था कि क्या लॉकडाउन होने वाला है, तो भक्तों आपको बता दें अभी लॉकडाउन की ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, यात्रा लगातार ही चल रही है और अभी भी बहुत सारे भक्त माता रानी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। लॉकडाउन होने वाली ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है और यदि कोई न्यूज़ आती है तो हम आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कटरा में जो नाइट कर्फ्यू की न्यूज़ आ रही है वो भी ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी जो भक्त माता रानी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं वो रात में भी यात्रा कर सकते हैं। कटरा में नाइट कर्फ्यू का कोई भी न्यूज़ नहीं है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आराम से माता रानी जी के दर्शन के लिए जाएं। मन में आस्था और विश्वास रखिए, माता रानी जी आप सभी लोगों के दर्शन बहुत अच्छे कराएंगी, आपकी यात्रा बहुत अच्छे से होगी।
इसके अलावा आपको बता दें भक्तों, जो भी ट्रेन अभी तक चल रही थी वो सभी ट्रेन चल रही हैं, कोई भी ट्रेन कैंसिल नहीं की गई है। और यदि आपके शहर में भी नाइट कर्फ्यू होता है तो आप रात में भी यात्रा कर सकते हैं। आपके पास टिकट होनी चाहिए, आप टिकट दिखाएंगे तो आप अपने स्टेशन पर पहुँच सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। क्योंकि नाइट कर्फ्यू जिन लोगों की लगाया गया है, उसके अलावा कुछ स्पेशल गाइडलाइंस भी दी गई हैं कि जिन व्यक्तियों के पास ट्रेन के टिकट्स या फिर एयर टिकट्स हैं तो वो रात में बाहर जा सकते हैं। तो ऐसे में भक्तों आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी भी आपको बता दें कि बहुत सारे भक्त लगातार ही यात्रा पर जा रहे हैं। आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये कल परसों की वीडियो ही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि भक्त कितने ही आनंदमय होकर माता रानी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि अभी जो न्यूज़ आई थी कि प्रसाद नहीं चढ़ रहा है और टीका नहीं लगाया जा रहा है, तो भक्तों आपको बता दें कि प्रसाद अभी चढ़ाया जा रहा है। अभी जो भी भक्त माता रानी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं उनको प्रसाद चढ़ाने का अवसर दिया जा रहा है। हालांकि अभी टीका नहीं लगाया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। तो ऐसे में भक्त आप लोग परेशान ना हो, आप लोग माता रानी जी को प्रसाद चढ़ा सकते हैं और अपने घर पर भी प्रसाद लाकर बांट सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। और रही बात टीका की, तो वो तो कोई बात नहीं, आप माता रानी जी के दर्शन कर रहे हैं तो अपने आप में वही बहुत बड़ी आशीर्वाद की बात है। तो यदि आपको इस समय टीका नहीं लगाया जा रहा है तो भक्तों वो आप सभी की सेफ्टी और आप सभी की सुविधा के लिए ही किया जा रहा है। तो ऐसे में आप परेशान ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब अगली बार दर्शन के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि माहौल अच्छा हो जाए और वापस से आपको सारी सुविधाएँ पहले जैसी मिलती रहें। तो भक्तों इसी के साथ हम आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं, जो भी यात्रा मार्ग के नज़ारे हैं, माता रानी जी के भवन के नज़ारे हैं, आप आनंद लीजिए। और इसके अलावा कोई भी जानकारी हमें मिलती है यात्रा मार्ग से जुड़ी तो हम आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय माता जी। तेरा रोशन है दरबार मैया क्या कहना, तेरा रोशन है दरबार मैया क्या कहना, तेरा रोशन है दरबार मैया क्या कहना, तेरा रोशन है दरबार मैया क्या कहना। बरसे है तो तेरा प्यार मुझे है तेरी लगन है लागी मैया, तेरी लगन है लागी, तेरी लगन है लागी मैया, तेरी लगन है लागी, भगवत पे लागी मैया, भगवत पे लागी, भगवत पे लागी मैया, भगवत पे लागी। तेरा दर्शन पाया जिसने उसकी किस्मत जागी, बरसे है माँ तेरा प्यार मुझे है यहाँ रहना, बरसे है माँ तेरा प्यार मुझे है यहाँ रहना। तेरे दर्शन को है मैया भक्त हजारों आते, तेरे दर्शन को है मैया भक्त हजारों आते, तेरे दर्शन को है मैया भक्त हजारों आते, तेरे दर्शन को है मैया भक्त हजारों आते। आस लगा कर खुद से मैया मन में मुगा दे दाते, आस लगा कर खुद से मैया मन में मुगा दे दाते, भक्त हजारों आते मैया भक्त हजारों आते, भक्त हजारों आते मैया भक्त हजारों आते। अपनी झोली खाली लेकर कभी न मैया जाते, तेरा रोशन है दरबार मैया क्या कहना, बरसे है माँ तेरा प्यार मुझे है यहाँ रहना, बरसे है माँ तेरा प्यार।
तेरे तरस को मैया मेरी जय तेरे है कैसे। ममता की बस छाया चाहूँ माँ तेरी चुनर से, ममता की बस छाया चाहूँ माँ तेरी चुनर से, नैन मेरे है कैसे मैया नैन मेरे है कैसे, नैन मेरे है कैसे मैया नैन मेरे है कैसे। दुख सारे मिट जाए मैया मेरी जो तेरी बरसे, तेरा रोशन है माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।